मत्ती दूसरा अध्याय 19 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। हेरोदस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल के देश में चला जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अर्किलाउस अपने पिता हेरोदस के जहां यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर कलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, यह नस्त्री कहलाएगा। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज हम वचन देखते हैं मत्ती दूसरा अध्याय से। हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाले हैं, हमें हर एक समय हर एक दिन हमें अगुवाई करने वाले हैं। हमारा परमेश्वर हमें हर डर से हमें बचाने वाले हैं, हर बुरे लोगों से हमें बचाने वाले हैं, हर बीमारी से हर बंदगिरी से हमें बचा कर हमें सही मार्ग में सीधा मार्ग में हमें चलाने वाले हैं। हमारे लिए कितना अच्छा अगवा प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा को आज हमारे अंदर दिया है। आज पवित्र आत्मा हमें हर दिन हमें चलाता है, पवित्र वचन के द्वारा हमें वो सही मार्ग में हमें वो चलाता है। यहाँ हम देखते हैं यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न में बात किया। हेरोदस ने उस बच्चे को मार डालने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत अनेक बच्चे लोगों को मार डाला, तब उसी में से परमेश्वर यीशु को वहाँ बचाया। यीशु को वहाँ से हेरोदस के हाथों से बचा कर मिस्र देश जाने के लिए कहा। तब यूसुफ बच्चे को उसका माँ को लेकर मिस्र देश में आकर रह रहा था। तब अभी जो बच्चे को मार डालने के लिए सोचता था वो अभी मर गया, हेरोदस अभी मर गया। ये बातों को वापस यहाँ यूसुफ के स्वप्न में आकर परमेश्वर ने बताया, तुम अभी बच्चे को उनके माता को लेकर वापस इसराइल देश में जाओ करके वहाँ परमेश्वर ने अगुवाई किया है करके हम यहाँ देखते हैं। हमारा परमेश्वर देखिए हर बुरे लोगों से हमें बचाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यीशु परमेश्वर का प्लान था। यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म होना, मरना, तीसरा दिन जी उठना, इसी मकसद के लिए वहाँ यीशु को परमेश्वर ने पृथ्वी में भेजा। तब यीशु मसीह बालक के रूप में वहां जन्म हुआ, तब शुरू से उसको मार डालने के लिए शैतान भी कोशिश कर रहा है। आज हमारा जीवन में भी देखिए हम परमेश्वर से चुने हुए लोग, हम उनके हाथों में विशेषित लोग, इसलिए हमको क्या करता है, गुस्सा करता है, हमारे ऊपर भी नफरत करता है। हम कैसे भी हमारा जीवन में परमेश्वर का मकसद पूरा होना नहीं है करके उस मकसद से भटकाने के लिए बहुत वो योजना बनाता है। कैसे भी इसको हम नाश करना है करके सत्यनाश करने के लिए वो काम करते रहता है, झूठ बोलते रहता है, लेकिन हर बातों से हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला है। हमारा परिवार को, हमको परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि हम चुने हुए लोग, हमारा जीवन में एक मकसद है। हम क्यों आए हैं, हम ऐसे आए, ऐसे खाए पिए पड़े मर जाए, ऐसा हमारा जीवन नहीं है। हम हर एक को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा है, एक मकसद के साथ भेजा है। इसलिए आज हमारा जीवन में शैतान भी बहुत नजर रखे, वो भी कोशिश करते रहेगा इसको कैसा कहां काटना है, कहां इसको मार डालना है, कहां इसको ये नाश करना है करके। लेकिन आज आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन, आपके बच्चे लोगों का जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में अगर आप समर्पण कर दिया है तो
वो आपको बचाएंगे, वो आपको अगुवाई करेंगे, कहाँ हमको रहना है, कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमको रुकना है, हर एक परिस्थितियों में भी वो हमें चलाने वाले हैं। इसलिए आप आज परिस्थिति कितना बड़ा गंभीर होगा तो भी आप उसको देखकर डरना नहीं है, क्योंकि हमारा बचाने वाला वो हमारा साथ है, हमारा छुड़ाने वाला यीशु जीवित है। यीशु मसीह मरा, तीसरा दिन जी उठ गया, आज भी जिंदा है। वो हमें सही मार्ग में, सीधा मार्ग में, सच्चाई मार्ग में वो हमें ले जाता है। इसलिए आज हम हर दिन उसके निर्भर में हम रहना चाहिए। हम नीति वचन में तीसरा अध्याय में हम देखते हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी के स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा करके इस वचन में हम देख रहे हैं। हम अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि हम अपने समझ का सहारा लेने से वो क्या होता है, हम धोखा हो जाते हैं, हम गड्ढे में गिर जाते हैं, हम फंस जाते हैं, हम इंसान के बातों में चलने लगते हैं, लोगों को सहारा हम लेने लगते हैं, वो हर समय हमारे लिए सक्सेस नहीं होता है, बहुत बार हम ठोकर खाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हर समय हर घड़ी हम परमेश्वर को सहारा लेना चाहिए। हमारा हर कामों में उसको हम स्मरण करना है, उसको हम याद करते हुए, उनको हम निर्भर रहते हुए, उनके ऊपर हम निर्भर रहते हुए हम हर काम को करेंगे, हम जय के ऊपर हम जय पाएंगे, हम ऐसे ही शैतान का जाल से हम बच जाएंगे। शैतान ऐसे ही आज दुनिया में जाल बिछा के रखा है, इसलिए आज उसमें से बचना है तो कैसे बच पाएंगे, परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर होना है। हम अपने समझ का सहारा ना लेना है, हर दिन हर घड़ी हम ये नहीं सोचना है ये तो छोटा ही डिसीशन है, इसको तो मुझे आएगा, मैं इसमें कर सकती हूँ, मुझे इसमें सब कुछ आएगा, ये मैं कर लूँगी करके हम ऐसे उसी पर भरोसा नहीं रखना है। छोटा काम भी हो, बड़े काम भी हो, हर दिन हर बातों में हम परमेश्वर का सहारा लेने से हम हर मुसीबत से हम बच जाएंगे, मृत्यु का डर से हमें बचाने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य के लिए जो मार्ग अच्छा है, बहुत अच्छा है करके वो दिखाई देता है, वो मृत्यु के ओर जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का जो भी योजना है, उनका मार्ग है, वो हमें धार्मिक मार्ग में हमें चलाता है, उसी में जीवन और शांति है, वहाँ डर नहीं है, वहाँ घबरावट नहीं है, वहाँ अंधेरा नहीं है। परमेश्वर हमें हर दिन हमें अगुवाई करता है। अगर परिस्थिति इतना अंधेरा ऐसे हमारा चारों ओर हमको लगता होगा, जैसा यहाँ हम देख रहे हैं, हेरोदेस बच्चे को मार डालने के लिए वहाँ योजना किया, तब धमकी दिया, वहाँ लोगों को मार डाल रहा था, तब परिस्थिति कितना गंभीर था, तब उसको देखकर यूसुफ को कितना डर लगा होगा। मिस्र देश में जाके वो वहाँ रहता है, वहाँ भी देखिए परमेश्वर को सहारा लिया, वो उनको बचाया, वो उनको संभाला। आज हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन को भी, हर बातों को पवित्र आत्मा के हाथों में आज हम समर्पण करने से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला है, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, कभी हमें नहीं त्यागेंगे। जैसा मैं कहानी सुन रही थी, तब उसमें एक बहुत बड़ा ऐसे रोड है, पूरा इधर उधर गाड़ी जाते रहता था, पूरा इतना जल्दी जल्दी गाड़ी जा रहा आ रहा था। तब यहाँ एक बेटी, उनका पापा था, उन लोगों को उस पार जाना है, इस रोड से क्रॉस करके उस साइड जाना है, तब ये लोग कैसे जाएंगे, वो लोग ऐसे ही खड़े थे, तब बहुत देर तक खड़े थे, तब पापा ने बोला, बेटा हम उस साइड हम पार करेंगे, तुम मेरा हाथ को पकड़ो, जैसा मैं जा रहा हूँ तब मैं जाऊँगा, तब मेरे पीछे पीछे तुम भी जल्दी जल्दी आना है, इधर उधर नहीं देखते हुए जल्दी जल्दी मेरे पीछे आना है करके उसका पापा ने उस बच्चे को बोला। बच्चे भी बोला हाँ पापा ठीक है करके। तब पापा ने क्या किया, उस बच्चे को हाथ को पकड़ कर उस बच्चे को वहाँ उस साइड से दूसरा साइड पार कराया। तब पार करने के बाद
उसको पप्पा उस बच्चे को मुंह को देख रहा था, बच्चे दोनों आंख को बंद करके वहां खड़ी थी। तब पापा ने बोला, बेटी क्या हो गया, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तब तुरंत बच्ची बोली, पापा आप मेरे हाथ को पकड़े हैं, मैं क्यों डरना है, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? मुझे सही मार्ग में आप लेके आएंगे पापा, अगर मैं इधर उधर देखी होगी तो मैं डर जाती, मैं चिल्लाती, इधर उधर भागती, अच्छा हुआ मैं इधर उधर नहीं देखा, मैं पूरा पूरा आपको ऊपर मैं भरोसा किया पापा, मुझे भरोसा है मेरा पापा मुझे सही मार्ग में ले जाएंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको हाथ को पकड़कर मेरे आंख को बंद किया करके उस बच्चे बोला। पापा को मन बहुत खुश हो गया। वैसे आज देखिए हमारा हर मार्ग में हम परमेश्वर को सहारा लेना है, क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया बहुत बुराई में जा रहा है, इतने बुराई हो गया, शैतान इतना लोगों को भरमा रहा है, इतना जाल बिछा रहा है, लोगों के मृत्यु का डर, बीमारी का डर, ऐसे ही दुनिया में हम रहते हैं चारों ओर इधर उधर, ऐसे यहाँ हम देखते हैं पूरा हेरोदेस खड़ा है, ऐसे हमको लग रहा है हेरोदेस का बेटा खड़ा है, ऐसे हमको लगता है, लेकिन उससे बड़ा है हमारा परमेश्वर है, वो हमें बचाने वाला है, वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आज बचाने वाला परमेश्वर को आप देखते रहिए, उनको सहारा लेकर पूरा मार्ग में हर कामों में आप उसको स्मरण करते रहिए, आपका जीवन में परमेश्वर जय के ऊपर जय देंगे, परमेश्वर हमें महिमा के ऊपर महिमा देंगे, हमें हर हर डर से हमें बचाएंगे, हर बुरे लोगों से हमें बचाएंगे, हर बंदगिरी से हमें बचाएंगे। हमको ऐसे ही लगता है कभी कभी कुछ डर बचपन से ऐसे एक कोई कोई बात हमें बांध लेता है, हमें डरा डर डर के हम क्या हो जाते, हम ऐसे एक बंधन में हम आ जाते हैं, कोई भी काम हम कर नहीं पाएंगे, वो एक डर होता है, वो एक श्राप का सामर्थ्य वो घेर लेता है, लेकिन आज हर डर से हर बंधन से हमें परमेश्वर छुड़ाने वाले हैं, वो बचाने वाले हैं, आपको छुड़ाकर सीधा मार्ग में आपको वो ले जाने वाले हैं। इसलिए हर दिन आप उनके आवाज को सुनने वाला रहना चाहिए। आप अगर अपना बातों को अपना समझ पर आप सहारा लेंगे, दूसरे लोगों को दुनिया वालों के सहारा लेंगे, आपका समस्या में आपका बच्चे लोगों का जीवन में रिश्तेदारों को सहारा लेंगे, वो क्या होगा मालूम है? वो शांति उसके उनके सहारक के द्वारा जो भी शांति मिलेगा वो ऐसे बूंद बूंद जे आएगा तो कैसा रहेगा, वैसे ही रहता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो अगुवाई आएगा वो कैसा रहेगा? शांति का नदी, यशाया 48 में 18 वचन में हम उस वचन को हम देख सकते हैं, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यह कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्मी समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। आज हम वचन को हम देखते हैं, अगर उनके आज्ञाओं को उनका बातों को हम ध्यान देंगे, उस बातों को हम स्वीकार कर हम उसके मार्ग में हम चलने लगते हैं, वो शांति उसके द्वारा जो मिलेगा वो शांति बूंद बूंद नहीं आएगा, नदी के समान वो आता है, वो नदी आएगा वहाँ कितने हमारा चारों ओर अगर अंधेरा रहेगा, अंधेरा छाया रहेगा तो भी हमारे ऊपर उजाला रहता है, हमारा चारों ओर पूरा अकालपन सूखापन मृत्यु का डर से लोग रहेंगे तो भी हमें डर नहीं है, क्योंकि हम उनके वचन के अनुसार हम चलते रहेंगे, उसको वचन को हम मानते हुए हम उसी
मार्ग पर हम चलते रहेंगे, हमारे अंदर शांति का नदी को हम अनुभव करेंगे। आज यही परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। लेकिन आज हमको क्या हो जाते हैं, हम डर डर के हम बंधन में हम फंस जाते हैं। लेकिन आज आपको हर डर से, हर मृत्यु का भय से प्रभु आपको छुड़ाने वाले, जाल से, बीमारियों से आपको बचाने वाले हैं। आज आपके साथ है, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर लगा हुआ है। आप चुने हुए लोग, आप परमेश्वर के लिए विशेषित लोग हैं, स्पेशल। इसलिए आज आप अपने बारे में ये मत सोचिए, मैं क्यों जन्म हुआ, मैं क्यों आया, ऐसा नहीं है। क्यों आपका जीवन में इतना आंधी तूफान आ रहा है, क्योंकि आप के द्वारा शैतान का राज्य में नुकसान होगा। आप परमेश्वर से चुना गया है, आपके बच्चे लोग, आपको, आप परमेश्वर के लिए स्पेशल लोग हैं। इसलिए शैतान भी इतना कोशिश करता है हमें कैसा भी नाश करना है करके, लेकिन प्रभु हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें नहीं त्यागेंगे, हर दिन हमें चलाने वाले हैं। परमेश्वर हमारा अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा करके हम वचन को हम देखते हैं। परमेश्वर हमेशा उनका अगुवाई हमारे लिए है। आज हम कितने धन्य लोग हैं, आज जो भी लोग हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वीकार किया, आज हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगा हुआ है। अभी हमारे लिए पवित्र वचन वो हमें चलाता है, वो पवित्र वचन आज हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। आज प्रत्येक परमेश्वर आज आपके अंदर, मेरे अंदर है। इसलिए आज हम परिस्थिति को देखकर हम डरना नहीं, वो हमारा चरवाहा है, हमें कुछ भी कमी कटी होने नहीं देंगे, किसी भी बातों में हमें ठोकर खाने नहीं देंगे। आज हम परमेश्वर को पूरा पूरा विश्वास कर आज हम उसके मार्ग पर हम चलते रहना है। जैसा हम देख रहे हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, तब उनको जहां हमको परमेश्वर बुला रहा है करके उस जगह को बारे में उसको कुछ भी आता पता नहीं, फिर भी उनका पीछे वो आया, विश्वास करके वो चलने लगा, परमेश्वर का बातों पर चलने लगा। उसका जीवन में कुछ भी नुकसान हुआ है क्या, देरी लगने जैसा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर उनका जीवन में आशीष किया, भरपूरी आशीष से भरा। आज वैसे हमारे जीवन को भी परमेश्वर उनके शांति से, उनका जीवन से, उनके भलाई से हमें तृप्त करेंगे। जैसा दाऊद को परमेश्वर हर समय अगुवाई किया, तब परमेश्वर का अगुवाई पर वो चलते रहा, उसका जीवन में आशीष को अनुभव किया। जब परमेश्वर का अगुवाई को वो नहीं सुना, अपने समझ का सहारा लिया, तब वो पाप में गिर गया। इसलिए आज हम परमेश्वर को बातों को सुनते हुए उनका अगुवाई पर हम चलते रहेंगे, हमें हर दिन परमेश्वर आगे आगे ही बढ़ाएंगे, महिमा के ऊपर महिमा ही देंगे। आज हमको उनके मार्ग पर हमको चलना चाहिए। यहाँ यूसुफ मरियम भी परमेश्वर मिस्र देश में जाने के लिए कहा, जाकर वहाँ रहा। परमेश्वर इसराइल देश में आने के लिए कहा, तब वहाँ आया। वैसे आज आपका जीवन में भी परमेश्वर जो भी बातें आपको बता रहा है, आप उनके अगुवाई पर चलते रहिए। उसका अंत अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो महिमा से भरा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का छोटा सा वो अगुवाई जैसा लगेगा, लेकिन वो उसमें से हमें तसली मिलती है, उसमें से हमें शांति नदी के समान आती है। इसलिए आज उनके अगुवाई पर हमें चलना है। हमको उनके अगुवाई पर हम चलते रहेंगे, हमारे लिए डर नहीं, दुख नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहाँ जीवन है, शांति है। यहाँ हम देखिए सामुएल भविष्यद्वक्ता, साउल राजा से अभी उसको हटाना है, परमेश्वर दाऊद को चुन लिया था, तब वहाँ बोल रहा था, मैं दूसरे राजा को चुन लिया हूँ, अभी ये तुम जाकर उसको
अभिषेक करना है करके वहां सामुएल भविष्यद्वक्ता से परमेश्वर आकर बता रहा है। तब भविष्यद्वक्ता वहां जाने के लिए डर रहा है, कैसे मैं जाऊंगा, ये साउल राजा को पता चल जाएगा तो वो मुझे मार ही डाल देगा करके वो सोच रहा है। लेकिन वहां परमेश्वर कितना अच्छा से उसको अगुवाई किया, तुम जाओ एक बकरी हाथ में ले लो, मैं बलि चढ़ाने आया हूँ करके उसी जगह पर तुम जाओ करके उसको अगुवाई किया। वैसे ही वो गया, राजा को अभिषेक किया। आज आप भी किसी भी लोगों को देखकर डरना नहीं, ये लोग मुझे क्या कर देंगे, मुझे ये क्या करेंगे करके, लेकिन आप परमेश्वर का आवाज़ को आप सुनते हुए उसके वचन के अनुसार आप चलेंगे, जरूर आपको परमेश्वर बुरे लोगों से भी बचाएंगे, दुष्ट लोगों से भी आपको बचाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा और भी बहुत बड़ा बड़ा कार्य होना है, आपके द्वारा परमेश्वर का मकसद पूरा होना है। इसलिए आज आप परमेश्वर का मकसद के लिए आप समर्पण कीजिए, आपका परिवार को समर्पण कीजिए, आपके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। हर समय हर घड़ी मृत्यु तक हमें चलाने वाले हैं। आज हम प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु, आज इस वचन के द्वारा आप हमसे बात किया प्रभु, आप हमें बचाने वाले, हमें अगुवाई करने वाले प्रभु, हर दिन हर घड़ी प्रभु आप हमारे साथ हैं। हम आपको प्रभु बात सुनकर आपका पीछे पीछे चलना है प्रभु, आप हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु, आप हमें सुखदाई जल के पास ले जाने वाले प्रभु, हमें कुछ भी कमी होने नहीं देंगे प्रभु, किसी भी बातों में हमें बुराई नहीं करेंगे प्रभु, आपके भलाई अनुग्रह प्रभु हमारे लिए है प्रभु। धन्यवाद आज इस वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, हमें छुड़ाया, डर से छुड़ाया प्रभु, बंधन से हमें छुड़ाया, मृत्यु का डर से हमें छुड़ाया, बीमारी का डर से हमें बचाया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमेन।